छह साल पहले जहाँ पे परमिटों की संख्या केवल 22 करोड़ थी, अभी 48 करोड़ होने जा रही है, यानी दूने से भी ज़्यादा होने जा रही है। इसी प्रकार से जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, हमारे माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी हैं, माननीय विधायकगण, आप सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और वो तमाम सारे लोग जो आज के कार्यक्रम में हैं, आप सबका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ मंचा सिंह, माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के लगभग 2800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम के इस पवित्र मौके पर हमारे संरक्षक उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी और एक प्रदेश को नई दशा दिशा देने वाले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित हमारे लखनऊ की सम्मानित मेयर साहिबा श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, माननीय विधायक अमरेश कुमार जी, जयदेवी जी, आदरणीय योगेश शुक्ला जी, नीरज बोरा जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव साहब दुर्गा शंकर मिश्रा जी, हमारे प्रमुख सचिव मुकेश मिश्राम जी, सभागार में और मंच पर मौजूद बहुत बहुत सम्मानित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, वास्तविकता तो यह है कि पर्यटन के विकास के लिए असली जो फैक्टर है या असली जो भूमिका है वो है उस प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा क्या है, लोगों की सोच क्या है, उस प्रदेश के बारे में लोगों की आने में अभिरुचि क्या है, ये पहली प्राथमिकता है। और मैं समझता हूँ कि 17 से